ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को कोहिनूर मिल मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा, जिसकी वजह से मनसे कार्यकर्ता में काफ़ी नाराजगी है। मगर राज ठाकरे को ईडी द्वारा नोटिस भेजने पर एक मनसे कार्यकर्ता ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये घटना थाने के बिठावा की है। मनसे के कार्यकर्ता प्रवीण चौगले मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा फैन था और पार्टी की तरफ से कोई भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। यहां तक कि अपने शरीर पर पेंट कर मनसे लिखकर रैलियों में भी सबसे आगे रहता था। मगर इस मनसे कार्यकर्ता की आत्महत्या से मनसे कार्यकर्ता के साथ साथ सभी नेताओं के आंखों में आंसू आ गए। प्रवीण चौगले ईडी द्वारा नोटिस मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भेजने के बाद सोशल मीडिया में भी पोस्ट लिखा था, जिसके अलावा दोस्तों से भी आत्महत्या करने की बात की थी, मगर दोस्तों ने ऐसा कदम न उठाने को कहा था। लेकिन मंगलवार रात को प्रवीण ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पर मनसे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने जायजा लिया और क्या कुछ कहा। एक राज सैनिक था, राज साहब का बहुत बड़ा फैन था। वो जिधर भी राज साहब की सभा रहती, वो पूरे उसके शरीर पे हमारे पार्टी का जो झंडा है वो पेंट करके आता था और सबसे आगे वही रहता था। आज मुझे हमारे पार्टी के सुशांत और सचिन ने फ़ोन किया और बोला कि ऐसे ऐसा हादसा उसके साथ हुआ है, तो मेरे पैर के नीचे ज़मीन हिल गई। मैं भाग के देखने को आया तो तब तक वो 85% जल गया था और उसे मृत घोषित किया गया था। उसने दिन भर में आज पार्टी के जितने भी हमारे नेता है उनके 100 के करीब उनके पोस्ट ईडी के खिलाफ जो थे उसने शेयर किए थे। उसने खुद एक पोस्ट की थी और उसमें उसने लिखा था कि अगर कोई राज साहब के घर के इधर आएगा कोई ईडी बीडी वाला तो हम वही बीडी से उसको जला देंगे, ऐसा पोस्ट भी उसने उसका लास्ट पोस्ट वही था। मैं मेरे पूरे जितने भी राज साहब समर्थक है, राज साहब को मानने वाले हैं, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है उनको हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप कोई भी चीज़ ऐसा मत कीजिए जिससे सम्माननीय राज साहब ठाकरे को राज साहब को दुख होगा, और ऐसे कोई भी चीज़ का राज साहब समर्थन नहीं करेंगे। जो भी है वो कायदे से होगा, साहब ने कुछ नहीं किया है, और अगर साहब ने कुछ नहीं हमारे किया है तो ईडीबीडी कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे विनती है कि कोई भी कार्यकर्ता ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए। लगभग 85% जलकर प्रवीण की मौत से मनसे कार्यकर्ता नेताओं से लेकर आम नागरिक को भी दुख हो रहा है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो पार्टी से इतना लगाव और ईमानदारी से जुड़ा हुआ था, आज प्रवीण चौगले जैसे सच्चे कार्यकर्ता को लोग याद कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मनसे प्रमुख को नोटिस मिलने की वजह से प्रवीण चौगले ने आत्महत्या की है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।